ऑपरेशन है, यानी एक के वैल्यू को दूसरा अंडू कर देता है, कम कर देता है। अब इसको कैसे करते हैं, इसके लिए रूल है। देखिए इसमें चेंज द सब्ट्रैक्शन साइन टू एन एडिशन साइन, सब्ट्रैक्शन साइन को एडिशन साइन में चेंज कर देते हैं, चेंज द साइन ऑफ द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के साइन को भी चेंज कर देते हैं। इसको ऐसे रिटेल एग्जांपल से समझ जाएंगे आपको। सब्ट्रैक्ट माइनस 12 फ्रॉम 8, यानी 8 से माइनस 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे 8 से माइनस 12 को, तो 8 इसको ऐसे सिंपल वे में लिखेंगे, 8 माइनस माइनस 12, यही ना, सब्ट्रैक्ट माइनस 12 फ्रॉम 8, 8 माइनस माइनस 12। अब माइनस साइन को प्लस साइन में कर देते हैं, चेंज द साइन, और नेक्स्ट वाले के यानी माइनस 12 है तो इसके साइन को हम चेंज करके, माइनस साइन है तो प्लस कर देते हैं, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू, मीन्स 8 माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 20 होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल आप लेते हैं, मान लिया कि ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, यहाँ 3 माइनस 5 लिखेंगे, लिखेंगे ना, बिल्कुल 3 माइनस 5, ये माइनस 5 नहीं है, ये 5 है, 3 से इसको माइनस करना है। तो देख लीजिए नियम के अनुसार माइनस साइन को प्लस में किए, और सेकेंड का साइन ये पॉजिटिव है, यानी 3 माइनस है उसके बाद 5 है, तो माइनस 5 कर दिए, हटा दिए तो प्लस और ए माइनस। अब देखिए 7 माइनस 3, 7 माइनस 7 प्लस माइनस 4 बराबर 3, यानी 7 माइनस 4 बराबर 3 होगा। इस तरह से इस नियम को सेकंड में भी है, सब्ट्रैक्ट माइनस 5 फ्रॉम 3, माइनस 5 को 3 से किया गया तो चेंज कर दिया है प्लस, और इसका साइन चेंज किया गया है तो 8 हो गया। यहां पर भी देखिए कि सब्ट्रैक्ट इसका इसका क्वेश्चन जो होगा, सो सब्ट्रैक्ट माइनस 9 फ्रॉम माइनस 4 होगा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन यहां पर दिया गया, एक क्वेश्चन है यहां सॉल्यूशन दिया गया है, इसको हाउ टू राइट, राइट माइनस 4 माइनस माइनस 9, तो सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस 4 और ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, और इसके साइन माइनस 9 है तो इसलिए प्लस 9 है, तो माइनस 4 प्लस 9 आप जानते हैं कि 5 होगा। तो इस तरह से इस दो रूल का फॉलो करेंगे तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये जो निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स का इस पर आधारित है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अब कंपेयर किया जाता है, एक चीज आप मान लीजिए तो कंपेयरिंग का थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कंपेयरिंग का बताते हैं। स्टॉप।